हेलो गाइस, आज थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे हाथ में है ये सोनी का ZV-E10 मिररलेस कैमरा। अभी जो फिलहाल शूट हो रहा है वो मेरे स्मार्टफोन से शूट हो रहा है। ये सोनी का ZV-E10 मिररलेस कैमरा जब लॉन्च हुआ था तो ये काफ़ी चर्चे में था। मैंने इसे आई थिंक अप्रैल 2022 में खरीदा था, लगभग 8 से 9 महीने बाद, और इसे मुझे यूज़ करते हुए भी 8 से 9 महीना हो गया। काफ़ी सारा यूट्यूब पर वीडियोज़ भी हमने इसी कैमरे को यूज़ करते हुए बनाया है, तो सोचा कि क्यों ना एक लॉन्ग टर्म रिव्यू कर दिया जाए इस सोनी के ZV-E10 मिररलेस कैमरे का। तो ऐसे में कोई कंटेंट क्रिएटर है, रील्स बनाता है, या आपने लॉन्ग ट्रिप के लिए कोई कैमरा खरीदना चाहता है या फिर ब्लॉगिंग के लिए कैमरा खरीदना चाहता है, तो ये सोनी का ZV-E10 कैमरा कितना बेहतर होगा। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो ये वीडियो आप जरूर ध्यान से देखिएगा इस कैमरे के बारे में, अगर कैमरा लेने के बारे में आप सोच रहे होंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी से। तो बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक का है, हालांकि हार्ड मटेरियल का यूज किया हुआ है, तो इसे ज्यादा रफ यूज तो नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मली यूज किया जा सकता है, रफ यूज हल्का हल्का किया जा सकता है। इसमें आपको एक फ्लिप आउट स्क्रीन देखने को मिलता है, यहां से देखिए इस तरह से फ्लिप आउट हो जाता है, जो भी चीज चाहे आप सामने देख सकते हैं। इसमें इसे आप 360 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप रोटेट कर सकते हैं। ये जो फ्लिप आउट स्क्रीन इसमें देखने को मिलता है, ये ब्लॉगर को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि ब्लॉगर अगर इस तरह से कोई ब्लॉग कर रहा है तो वो अपना सामने फेस देख पाए और फेस देख के ब्लॉग कर पाए। इस कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हैं और 1080 पिक्सल पे आप 120 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर आप इस कैमरे से 4K में 30 FPS पर वीडियो शूट करते हैं तो आपको थोड़ा सा एरिया क्रॉप देखने को मिलेगा। वहीं पे दोस्तों, अगर आप 4K में 24 FPS पर वीडियो शूट करते हैं तो एरिया क्रॉप नहीं होगा। जितना आपको 1080 पिक्सल पर एरिया मिलेगा, उतना ही 4K 24 FPS पर मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप 30 FPS में इस कैमरे से 4K में वीडियो शूट करते हैं तो थोड़ा सा एरिया वहां पे क्रॉप हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी जो वीडियो शूट हो रहा है वो 1080 पिक्सल पर शूट हो रहा है, साथ में 30 FPS पे ये वीडियो शूट हो रहा है। अभी देख सकते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू आपको कितना देखने को मिल रहा है। अभी स्विच करते हैं 4K 30 FPS पे, इसके बाद देखिएगा कि कितना एरिया में क्रॉप आता है, कितना एरिया कट जाता है। अभी जो दोस्तों वीडियो शूट हो रहा है वो 4K 30 FPS पे शूट हो रहा है। अभी आप फील्ड ऑफ व्यू देख सकते हैं, एरिया में क्रॉपिंग देख सकते हैं कि 1080 वाले में कितना आपको फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलता था और 4K 30 FPS पे आपको कितना क्रॉप देखने को मिलता है। अभी जो वीडियो शूट हो रहा है दोस्तों वो 4K में ही हो रहा है, लेकिन इस बार हमने FPS को घटा दिया है, यानी कि 24 FPS पे कर दिया है। तो अभी देख सकते हैं जो फील्ड ऑफ व्यू है वो हमें 1080 पिक्सल के बराबर ही मिल रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 30 FPS पे आपको 1.4x का जूम देखने को मिलेगा, यानी कि एरिया क्रॉप हो जाता है, लेकिन वहीं पे 24 FPS पे 4K में भी आप शूट करेंगे तो आपको सेम ही फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलता है जितना आपको 1080 पिक्सल में देखने को मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो कैमरा है ये ब्लॉगर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो इसमें आपको यहाँ पे 3 कैप्सूल माइक देखने को मिलता है, जिसका की क्वालिटी काफी ठीक ठाक है, हालांकि उतना बेहतर तो नहीं है लेकिन काफी ठीक ठाक है दूसरे किसी कैमरे के मुकाबले। हाँ, अगर आप इस कैमरे से ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक एक्सटर्नल माइक खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो माइक है वो उतना बेहतर नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में काम चला देगा। मान लीजिए अगर आपका इमरजेंसी में कभी माइक खराब हो जाता है तो इस माइक का भी आप यूज कर सकते हैं। अभी जो दोस्तों आप ऑडियो सुन रहे हैं वो इसी कैमरे के इंटरनल माइक्रोफोन से आ रही है, यानी कि जो 3 कैप्सूल माइक्रोफोन हमने बताया उसी माइक्रोफोन से अभी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, और वीडियो तो जान रहे हैं आपकी कैमरे से ही शूट हो रही है। तो अभी आप क्वालिटी देख लीजिए, अभी जो दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो इस एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्ड हो रही है। तो अभी आप डिफरेंट देख सकते हैं कि एक्सटर्नल माइक में और इस कैमरे के इंटरनल माइक में कितना डिफरेंट आपको ऑडियो क्वालिटी में देखने को मिलता है। देखिए, इस कैमरे से अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, इस तरह से हाथ से पकड़ के कोई वीडियो शूट करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ेगा वो है आपको वीडियो स्टेबिलाईजेशन का। इस कैमरे में आपको वीडियो स्टेबिलाईजेशन देखने को मिलता है, हालांकि ये कोई इन बॉडी स्टेबिलाईजेशन नहीं है, लेकिन इस कैमरे में एक ऑप्शन दिया हुआ है स्टडी शॉट के नाम से, जिसको इनेबल कर देने के बाद वीडियो आपका काफी हद तक स्टेबल हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर आप वीडियो स्टेबिलाईजेशन मोड ऑन कर देते हैं तो फिर से आपका एरिया थोड़ा सा और क्रॉप हो जाता है। दोस्तों, अभी जो ये वीडियो शूट हो रही है ये स्टडी शॉट ऑन नहीं है, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे भाग के भी दिखा देता हूँ कि इस टाइप का आपको इसमें जर्क देखने को मिलता है इस कैमरे से, अगर आप स्टडी शॉट ऑन नहीं किए हैं तो। और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉगिंग ट्राइपॉड का भी यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारा वीडियो स्टेबल है स्टडी शॉट ऑन ना करने के बावजूद। अभी जो ये वीडियो शूट हो रही है इसमें आप देख सकते हैं कि कितना एरिया क्रॉप हो चुका है। अभी हमने स्टडी शॉट को ऑन कर दिया है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चल के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा भाग के भी दिखा देता हूँ। तो इस टाइप का आपको वीडियो में स्टेबिलाईजेशन देखने को मिलता है। जहाँ पे वीडियो स्टेबिलाईजेशन ऑन नहीं था वहाँ पे देख लीजिए कि कितना जर्क आता है, और अभी वीडियो स्टेबिलाईजेशन यानी कि स्टडी शॉट को ऑन कर दिया है हमने, अभी आप जर्क देख
देख लीजिए। इस कैमरे से स्टेडी शॉट ऑन करने के बाद वीडियोस तो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो ही जाता है, लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन चाहिए इस कैमरे से तो आपको सोनी का एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर आता है, हालांकि वो मोबाइल में नहीं चलेगा, वो लैपटॉप या कंप्यूटर में ही चलेगा, जिसका नाम है कैटलिस्ट ब्राउज। उस एप्लीकेशन में दोस्तों इसका जो वीडियोज, इस कैमरे से जो वीडियो शूट किया हुआ है, उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप इसके वीडियोज को रेंडर करते हैं तो वहाँ पर और भी ज़्यादा आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि मैंने इसे कभी टेस्ट नहीं किया है, लेकिन सोनी के वेबसाइट पर यह चीज़ मेंशन की गई है इस सोनी ZV-E10 कैमरे के बारे में। अगर इस कैमरे से स्लो मोशन वीडियोस बनाना चाहते हैं तो वो चीज़ आप 120 FPS तक वीडियोस को स्लो मोशन में शूट कर सकते हैं, यानी कि 4x तक आपका वीडियो स्लो हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये चीज़ आप 1080 पिक्सल पे ही शूट कर पाएंगे स्लो मोशन। 4K में अगर स्लो मोशन शूट करना है तो ये चीज़ इस कैमरे से पॉसिबल नहीं है। और भाई इस कैमरे से स्लो मोशन वीडियो क्या मक्खन शूट होता है, मज़ा ही आ जाता है शूट करके। मैं शाम के टाइम पर एक वीडियो शूट किया था स्लो मोशन, एक रील शूट किया था, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे चला के दिखा दूंगा। अगर ऑडियो में कॉपीराइट आता है तो ऑडियो मैं बंद कर दूंगा, और ऑडियो में कॉपीराइट नहीं आएगा तो ऑडियो मैं आपको चला के दिखाऊंगा, साथ में ऑडियो के साथ दिखाऊंगा स्लो मोशन वीडियो की कितना बेहतर इस कैमरे से स्लो मोशन। फीचर मुझे काफ़ी तगड़ी लगी और उन दोनों फीचर को पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करता हूँ। सबसे पहला है बैकग्राउंड डीप फोकस टू फोकस मोड और दूसरा है प्रोडक्ट शोकेस मोड। चलिए सबसे पहले टेस्ट करते हैं इसके बैकग्राउंड डीप फोकस टू फोकस मोड को। बैकग्राउंड डीप फोकस टू फोकस मोड से मेरा मतलब है कि मान लीजिए आप इस तरह से कोई वीडियो शूट कर रहे हैं या किसी का फोटो खींच रहे हैं और बैकग्राउंड में तुरंत ही आपको ब्लर चाहिए, तुरंत ही डीप फोकस चाहिए और तुरंत ही फोकस मोड में लाना है, तो यहाँ पे देखिए एक डेडिकेटेड बटन दिया है C1 करके। इस बटन को दबाते ही दोस्तों तुरंत ही आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, डिफोकस हो जाएगा, और जैसे ही दोबारा इस बटन को दबाएंगे वैसे ही आपका जो बैकग्राउंड है वो फोकस में आ जाएगा। यहां पे दोस्तों अगर आप मेरे कैमरे की स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो यहां पे बैकग्राउंड में जो प्रोडक्ट रखी हुई है वो काफी हद तक फोकस में है, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो ब्लर नहीं है, बिल्कुल भी ब्लर नहीं है, सारी चीजें आपको क्लियर दिखाई दे रही है। लेकिन मैं सिंगल बटन क्लिक करूंगा, इसके बाद जो वो बैकग्राउंड में प्रोडक्ट रखा हुआ है वो काफी हद तक ब्लर हो जाएगा। चलिए यहां पर क्लिक करते हैं, ये देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया बैकग्राउंड की रखे हुए चीज़ें काफ़ी हद तक डीफोकस हो गई, यानी कि ब्लर हो गई। फिर से इसे क्लिक करता हूं तो फिर से वो फोकस में आ गया, फिर से इसे क्लिक करता हूं तो वो फिर से बैकग्राउंड ब्लर हो गया। तो इस तरह का इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में फोकस डीफोकस का आपको इसमें फीचर देखने को मिलता है। चलिए अब टेस्ट कर लेते हैं अगले फीचर का, जिसका नाम है प्रोडक्ट शोकेस मोड। देखिए जिस कैमरे में प्रोडक्ट शोकेस मोड नहीं होता है उस कैमरे में अगर आप इस तरह से कोई वीडियोज़ रहे हैं या ट्राइपॉड पे रख के कोई वीडियोस बना रहे हैं तो अगर आप सामने कोई प्रोडक्ट ले आते हैं तो आपका इस प्रोडक्ट पे वो फोकस नहीं करेगा, आपके फेस को ही ट्रैक करता रहेगा, फेस पे ही फोकस रहेगा। अगर आप आंख के सामने इस तरह से ले जाते हैं कोई प्रोडक्ट तो ही आपको प्रोडक्ट पे फोकस देखने को मिलेगा, अगर आप इधर उधर करते हैं तो आपको प्रोडक्ट पे फोकस देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट शोकेस मोड ऑन नहीं है तो हमेशा आपके फेस को भी ट्रैक करता रहेगा, फेस को ही फोकस में रखेगा, कोई भी आप प्रोडक्ट ले जाएंगे अगर सामने तो वो फोकस नहीं करेगा दूसरे कैमरों में। लेकिन इसमें आपको एक प्रोडक्ट शोकेस मोड देखने को मिलता है, जिसको कि इनेबल करने के बाद मैं दिखाता हूं कि क्या चेंजेस आते हैं। अभी देखिए दोस्तों हमने इस कैमरे से प्रोडक्ट शोकेस मोड को ऑन कर लिया है, यहां पे मैं कोई भी प्रोडक्ट ले जाता हूं तो वो तुरंत ही प्रोडक्ट पे फोकस करता है, जैसे मैं हटाता हूं मेरे फेस पे फोकस करेगा, फिर से मैं अगर प्रोडक्ट ले जाता हूं तो ये फोकस प्रोडक्ट पे करेगा, आंख के सामने ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी प्रोडक्ट रखते हैं, प्रोडक्ट कहीं पे भी रखिए, आपके प्रोडक्ट पे तुरंत ही फोकस कर लेगा और जैसे ही प्रोडक्ट आप हटाएंगे आपके फेस पर फोकस करेगा। देखिए इस कैमरे में अगर कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं, जैसे कि रोलिंग शटर का। अगर आप वीडियो बनाते समय अगर इस तरह से फास्ट मूवमेंट कराते हैं कैमरे से तो वहां पे आपको रोलिंग शटर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है इस कैमरे में। तो जैसे ही मैं इस कैमरे से रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं और काफी फास्ट मूवमेंट कराता हूं तो यहां पर देख सकते हैं काफी हद तक रोलिंग शटर का आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, वीडियो ऐसा लगता है कि जैसे इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। बात करें इस कैमरे की बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप उतना बेहतर तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक ही है। अगर इसे आप 100% चार्ज कर लेते हैं तो ये आपको लगातार शूट अगर करते हैं तो एक घंटे का लगातार शूट का आपको बैकअप देखने को मिल जाता है। जो DSLR होते हैं दोस्तों वो उसमें आपको थोड़ा सा बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलता है, ये मिररलेस कैमरा है इसमें थोड़ा सा बैटरी बैकअप आपको कम देखने को मिलेगा एक DSLR के मुकाबले। जैसे मान लीजिए डाटा केबल और पावर बैंक से इस कैमरे को पावर सप्लाई देते हैं तो आप इसमें लगातार 6 से 8 घंटे तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग आपका होता भी रहेगा और साथ में बैटरी भी चार्ज होता रहेगा। इसका ये फायदा है कि आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं 2 से 3 घंटा
चार घंटा जितना चाहे उतना बड़ा वीडियोस बना सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा फीचर है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम भी इस कैमरे को चार्ज कर सकते हैं। ज्यादातर कैमरों में आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलता है। देखो जी, मैंने इस कैमरे के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर थे वो सारे आपको बता दिए। अब बात करते हैं फाइनल कैलकुलेशन की कि ये जो कैमरा है वो किस टाइप के पर्सन को लेना चाहिए। तो अगर आप एक यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, रील्स क्रिएट करते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हैं, इस तरह का इंडोर में शूटिंग करते हैं, तो आपके लिए ये कैमरा काफ़ी बेहतर साबित होगा। मुझे तो ये कैमरा काफ़ी पसंद आया, मुझे ये लेने के बाद कभी रिग्रेट फील नहीं हुआ कि यार इसमें तो ये सेटिंग नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा। ये कैमरा मुझे काफ़ी पसंद आया। वैसे सोनी का एक मैं आपको ड्रॉबैक बता देता हूँ कि जैसे आप इस सोनी का कोई कैमरा खरीदना चाहते हैं तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो एक्सेसरीज आते हैं, लेंसेज आते हैं, वो काफ़ी महंगे होते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये 50mm का मैं लेंस यूज़ कर रहा हूँ सोनी का, ये मुझे पड़ा है 23,000 रुपये का। और अगर आप निकॉन में, कैनन में देखेंगे तो ये 50mm का लेंस सिर्फ और सिर्फ आपसे 9 से 10 हज़ार रुपये में ही मिल जाएगा, लेकिन ये जो लेंस है ये 23,000 रुपये का मिला है। तो सोनी का कैमरा अगर खरीदने आप जा रहे हैं तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि इसके जो एक्सेसरीज आते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। वैसे इसके एक्सेसरीज एक्सपेंसिव होते हैं तो उस टाइप का आपको सोनी में क्वालिटी भी देखने को मिलता है। इसमें ऑटो फोकस आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है कैनन और निकॉन के मुकाबले। अगर आपको इसका ऑटो फोकस का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसका वीडियो बनाने का कोशिश पूरा करूंगा। और अगर आपको ये सोनी का ZV-E10 ऑनलाइन खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके इस सोनी के DSLR को खरीद सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।